हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलाइंस स्टडी में। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल नंबर 32 यानी 32 के बारे में। प्यारे साथियों, आर्टिकल 32 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब इसमें हैं जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस आर्टिकल 32 से एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आर्टिकल 32 कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो भाग नंबर 3 है। और इसमें देखिए क्या है, भाग 3 को जो है भारत के संविधान में जो भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि इसी भाग में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक या मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम बात कर रहे हैं भाग नंबर 3 की। ठीक है, आगे बात करते हैं मूल अधिकारों का मतलब क्या है। देखिए, मूल अधिकारों का जो मतलब है वो राजनीतिक लोकतंत्र से है, और इन्हें भारतीय संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है ना, इन्हें क्या है? भारतीय संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त है। भाग तो आपके 22 हैं। ठीक है, बट हम अभी बात जो कर रहे हैं वो भाग नंबर 3 की बात कर रहे हैं, और इसमें जो संविधान इसमें जो है मतलब मूल रूप से कितने अधिकार हैं? 7 अधिकार हैं। ठीक है, 7 अधिकार हैं, जो कि आपका जो पहला अधिकार है, पहला आपका अधिकार हो जाएगा समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल जो आते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक आते हैं। और दूसरा आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल आपके 25 से 28 आते हैं। इसमें आगे बात करते हैं, देखिए आगे स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो आपके आर्टिकल रहेंगे वो 19 से 22 तक रहेंगे। आगे जो आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें आर्टिकल आपके 29 से 30 तक रहते हैं। और आगे बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें आर्टिकल आपके 23 से 24 तक रहते हैं। और आगे बात करते हैं सांविधिक उपचारों का अधिकार, इसमें आर्टिकल आपका 32 रहता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? 32, जो कि आर्टिकल 32 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 7 की। ठीक है, जो 7वें नंबर पे आता है वो आपका आता है संपत्ति का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 31 आता है। ठीक है ना, 31 आर्टिकल आपका आता है। ठीक है, पहले नंबर पे आपका आ गया कौन सा? समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक उपचारों का अधिकार। ये आपके 6 अधिकार हैं, और जो 7वां अधिकार है आपका वो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को जो है देखिए, संपत्ति के अधिकार को क्या है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत सूची से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अर्थात वर्तमान में जो आपके अधिकार हैं वो कितने अधिकार हैं? वर्तमान में 6 अधिकार हैं। ठीक है ना, 6 अधिकार हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आपको एक छोटी सी ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।